टेक फर्मों की नई आफत। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर मची रार अभी थम भी नहीं पाई थी कि नेट न्यूट्रलिटी की बहस एक दफा फिर से उठ खड़ी हुई है। अगर आप कुछ बरस पहले इस मसले पर शुरू हुए बवाल को भूल चुके हैं तो आपको हम बता देते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि इंटरनेट पर किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए, यानी इंटरनेट की आज़ादी रहनी चाहिए ताकि कोई भी इसका गलत फायदा ना उठा सके। खैर, अब बात आ जाती है आखिर ये मसला दोबारा कहां से उठ खड़ा हुआ। तो हुआ ये है कि इस दफा रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम ऑपरेटरों ने इस ठंडे पड़ चुके मसले में आग डाल दी है। इन कंपनियों ने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स यानी CDN को रेगुलेट करने की मांग की है। CDN का इस्तेमाल ग्लोबल बिग टेक कंपनियां करती हैं, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी कंपनियां। CDN के बूते ही ये टेक कंपनियां डेटा बेस्ड खास सर्विसेज को आप तक मुहैया कराती हैं। अब आगे की बात। तो हुआ ये कि 2017 में नेट न्यूट्रलिटी पर ट्राई की सिफारिशों में इन CDN को बाहर रखा गया था। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर चाहते हैं कि इन सिफारिशों की फिर से पड़ताल हो और इन CDN को भी रेगुलेटरी दायरे में लाया जाए। मतलब बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक और मुसीबत। गूगल समेत दूसरी टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनियां पहले से ही डेटा प्रोटेक्शन बिल में लाए जा रहे कायदे कानूनों का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही हैं। इस बिल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पब्लिशर्स का दर्जा दिया गया है, यानी कंटेंट की पूरी जवाबदेही इन प्लेटफॉर्म्स की होगी। मतलब किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा डाला तो कानूनी झंझट झेलेंगी ये कंपनियां। इस बिल में एक मसला इनके सर्वर्स के लोकलाइजेशन का है, यानी भारतीयों का पूरा डेटा भारत में ही स्टोर हो। इस बिल से कंपनियों के पसीने वैसे ही छूटे हुए हैं। खैर, सुना तो अब ये भी जा रहा है कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई बदलाव करने जा रही है। बातें तो ये तक आ रही हैं कि सरकार एक तरह से बिल्कुल नया डेटा बिल लाने का प्लान कर रही है। वजह ये बताई गई है कि सरकार देश के उभरते स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को इस कानून के चलते डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। साथ ही उसे लगता है कि डेटा बिल टेक्नोलॉजी में हो रहे उभार और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। टेक कंपनियों की परेशानी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गूगल और फेसबुक अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर यानी कि SEC को अपनी फाइलिंग्स में भी इस बिल पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। टेक कंपनियों के लिए आफत का जैसे कोई अंत ही नहीं। दो वर्षों से दबा नेट न्यूट्रलिटी का मसला भी निकल आया। तो जहां एक ओर टेलीकॉम ऑपरेटर इन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स को रेगुलेटरी दायरे में लाना चाहते हैं, वहीं NASSCOM और US इंडिया बिजनेस काउंसिल जैसे संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। बस शुरू हो गया बवाल। टेलीकॉम ऑपरेटर ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP भी हैं। टेक कंपनियां अपनी कंटेंट सर्विसेज मुहैया कराने के लिए ISP के साथ गठजोड़ करने के दौर में हैं। नेट न्यूट्रलिटी के बहाने इन्हें शुरुआत से ही काबू में रखने की मंशा टेलीकॉम ऑपरेटरों की है। अब सरकार के लिए भी दोहरी दिक्कत होने वाली है। डेटा बिल वो ला नहीं पा रही और उस पर नेट न्यूट्रलिटी का मसला उभरना उसके लिए एक और सरदर्द जैसा है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।